नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं कढ़ी बरी बनाने वाली हूँ बहुत टेस्टफुल और स्पाइसी बनेंगे, इसे स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए देखें। ये हमने 500 ग्राम दही लिया है एक बाउल में, और इसमें एक टेबल स्पून एक बड़ी चम्मच हल्दी डालेंगे। इसके बाद जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मिक्स है, ये भी डाल लेंगे एक चम्मच के अनुसार, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आप अपने अनुसार नमक डालेंगे। ये सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इसे बिस्कुट से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये थोड़ी एक चम्मच चीनी भी डाल लेंगे, चीनी डालने से इसका टेस्ट और भी अधिक बढ़ जाता है, इसलिए एक चम्मच चीनी डालना है और इस मिक्सर से मिला लेना है। ये जब सभी मसाले मिक्स हो जाए तो इसमें 2 बड़ी चम्मच बेसन डाल देना है। ये देखें, 2 बड़ी चम्मच बेसन डालना है, और बेसन डाल देने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इसमें गांठ नहीं हो इसलिए मिक्सर से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, नहीं तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। ये मिक्स हो जाने के बाद इसमें 600 ml पानी डालेंगे, दही से थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे, और इसे मिक्स कर कर एक बर्तन में डाल लेंगे खौलाने के लिए। ये देखिए, ये मिक्स हो चुका है। इसमें मैं डालकर मीडियम फ्लेम पे खौलाना है। ये सभी को इसमें डाल दें। ये नीचे जमे हुए बेसन को अच्छी तरह से डालकर मिक्स कर लें, और इसे अच्छी तरह से चला लेना है। इसे मीडियम फ्लेम पे रखना है, फुल फ्लेम पे नहीं रखना है, और इसे चलाते रहना है जब तक इसमें झाग नहीं आए, जब तक ये अच्छी तरह से खोले नहीं तब तक इसे चलाते रहना है, क्योंकि ये फट सकता है। ये जो बाकी बचे हुए बेसन है 200 ग्राम के लगभग, इसे एक बाउल में डालेंगे, और इसमें थोड़ी मसाले डाल लेंगे, जो भी मसाले हो, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ी नमक डालेंगे, हल्दी भी डाल लेंगे। ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालना है, बहुत कम मात्रा में डालना है, और ये सभी को मिक्स कर कर अच्छी तरह से इसे मिश्रण बना लेना है। इसे ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, और थोड़ी थोड़ी पानी डालकर पकौड़े वाली मिश्रण बनाना है। इसे इतना अच्छा से मिक्स करें कि पकौड़े अच्छी तरह से खिल जाएं, ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। जितना इसे 1-2 मिनट तक मिक्स करते रहें, ये बहुत अच्छे से खिलेंगे उनका पकौड़े। ये देखें, एक ही दिशा में इसे मिक्स करें। ये हमारी करी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे 5 से 6 मिनट का समय लगा है। ये ठीक बहुत अच्छे से हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट बना है। ये देखें, इसके बाद एक कढ़ाई को गरम करेंगे, और इसमें तेल गरम कर लेंगे। ये देखें, तेल गरम हो चुका है। पकोड़े को सभी को इस तरह डाल लेंगे। ये बहुत अच्छे पकोड़े रेडी हो रहा है, और बहुत अच्छे से खिल रहा है। ये देखें, इस तरह 8 से 10 पीस पकौड़े एक बार में डालेंगे, और इसे डीप ब्राउन तक छान लेना है। इसे मीडियम फ्लेम पर ही रखना है, ज़्यादा फुल फ्लेम कर नहीं छानना है, पकौड़े जल सकता है। ये देखें, सभी पकौड़े को इसी तरह डालकर छान लेना है, डीप ब्राउन कर निकाल लेना है। ये देखें, इसे पलट लेना है। सभी पकोड़े को डीप ब्राउन तक रखना है। ये डीप ब्राउन हो जाने तक इसे निकाल लेना है।
इसे मीडियम फ्लेम पे रखना है। ये देखें, सभी को निकाल कर पानी में डाल लेंगे। ये बहुत सॉफ्ट और मुलायम होते हैं पानी में डालने से। और एक कढ़ाई में 75 ml तेल डाली हूँ और ये सभी तड़के लगाने वाली हूँ। ये देखें, कटी हुई प्याज, अदरक भी क्रश कर ले लिए हैं, कटी हुई हरी मिर्च, करी पत्ता, कस्तूरी मेथी, कटी हुई लहसुन, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर और साबुत जीरा, ये सभी रेडी कर रखी हूँ। थोड़ी हींग, पहले गरम तेल में जीरा डालेंगे, इसके बाद तेजपत्ता डालेंगे, हींग 1 pinch डालेंगे और कटी हुई हरी मिर्च, अदरक सभी को डाल लेना है और लहसुन को सभी को डालकर 4-5 seconds तक चला लेना है। करी पत्ता को भी डाल लेना है, लहसुन को डालकर 5-10 seconds चलाना है। और इसे सभी को चलाकर ले लेना है, ये चला लेना है। चलाने के बाद कटी हुई प्याज भी डाल देना है, प्याज भी बहुत छोटे छोटे शेप में कटी है, ये देखें। प्याज को भी डालकर 1 minute तक ब्राउन करना है। ये थोड़ा ब्राउन हो जाने पर इसमें कस्तूरी मेथी और सभी मसाले डाल लेना है। ये ब्राउन हो चुका है, ब्राउन होने में 1 minute का समय लगा है। इसमें कस्तूरी मेथी भी डालेंगे और सभी मसाले डाल लेंगे। सभी मसाले को डालकर अच्छी तरह से 1/2 minute तक भून लेना है। ये सभी 1/2 minute तक भून जाने पर, रेडी हो जाने पर तड़के में डाल लेंगे। ये देखें, ये सभी रेडी हो चुका है। और ये हमारी करी भी रेडी है। इसमें सभी मसाले को डाल लेंगे, तड़के वाले मसाले को, और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये बहुत टेस्टफुल और स्पाइसी बना है, इसे आप घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे। एक बार इसे बना लेंगे तो हमेशा इसे बनाएंगे। ये जो पकौड़े पानी में भिंगो कर रखी हूँ, इसे भी डाल लेना है, डालकर छोड़ देना है। ये देखें, सभी को डालकर छोड़ देना है। और एक बाउल लेंगे, इसमें सभी कढ़ी और पकौड़े को ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखें, अगर ये हमारी रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू।